कुमारी सैलजा ने बीजेपी के दावे पर तंज कसा है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नए सीएम से हरियाणा संभलने वाला नहीं है। कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी। ये सब कुछ सैलजा ने कहा और इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों में से 6 कांग्रेसी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब समाज को बांटने की बात करे तो ये देश जो कि हर धर्म का, हर जाति का देश है, आपस में भाईचारे का देश है, शांति का देश है, ये देश इस तरह की बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी के जो नारे थे 400 पार, 370 पार, पहले चरण में ही जो खबरें आ रही हैं, इनके ये सारे नारे, इनके सारे जो ये क्लेम करते हैं, वो सब ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचे। कांग्रेस कैंडिडेट्स जल्द ही, क्योंकि कई समीकरण देखने पड़ते हैं और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो प्रचार प्रसार में बिजी भी हैं, तो हरियाणा के पुलिसकर्मी की हत्या का मामला सामने आया है। बेरहमी से पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारा गया है। मृतक के चेहरे पर कई वार किए गए हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के पास ये लाश मिली है। लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और मृतक की पहचान अजीत के तौर पर हो पाई है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौका वारदात की ये तस्वीरें। मोहाली में हरियाणा के पुलिसकर्मी की हत्या हुई, बेरहमी से मौत के घाट जो है उसे उतारा गया है, चेहरे पर कई वार किए गए हैं, अजीत के तौर पर जो है वो पीड़ित की पहचान की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक फिलहाल इस मामले में क्या कुछ जानकारी है। देखिए, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अजीत, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अजीत कुमार सिंह जो SOP यानी कि हरियाणा पुलिस में एक हरियाणा पुलिस का कर्मी था, और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि पंचकुला में ही उसकी ड्यूटी थी और मलोया में अपने परिवार के साथ रहता था, यानी कि चंडीगढ़ के मलोया में वो अपने परिवार के साथ रहता था जी। वहां पर कैसे पहुंचा, किसने मारा, जो उसके जो पूरा उसके जो फेस पर काफी बुरी तरह से बेरहमी से पत्थरों से वार किया गया था और उसके बाद मारकर उसको फेंका गया, या कौन जो पूरे इस वारदात को अंजाम किसने दिए, सारी चीजों को लेकर पुलिस अब पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन काफी हैरानी की बात यह है कि ड्यूटी पर जो है वो कल गया था और रात को नहीं लौटा, और उसके बाद आज सुबह उसका शव मिला है बिल्कुल पंचकुला और मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर के एरिया में और जंगलों में उसका पूरा शव मिला है और पूरी बावर्दी में था। कई चीजें इसमें देखने वाली हैं कि आखिर किन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से अजीत कुमार सिंह की किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश थी, पुरानी कोई आपसी लड़ाई थी, सारी चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक हालांकि कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई। जी, शुक्रिया मनोज ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल किसी भी तरह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। बेरहमी से एक पुलिस कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। पंचकुला में ड्यूटी थी अजीत की और मोहाली बॉर्डर पर यह शव बरामद हुआ है। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। फरीदाबाद के सीही गांव में जमीन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों के साथ एक दूसरे को बेरहमी से पीटा है। मारपीट का CCTV वीडियो भी जो है वो सामने आया है और गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यहाँ कैसे आ गए, क्यों कहो
अरे ये तो हमारी सब चौपाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, बाहर निकलो तुम यहाँ से। मैंने ये कही बिल्कुल तू निकाल दे बाहर से, तो दर्शन ने मेरे से ही पता क्या कहा कि तू अकेला लड़ ले मेरे से। तो उसको लगा कि भाई इसके साथ दो और है, तो कह रहे अकेले लड़ ले मेरे से, लड़ ले भाई। तो उसी में मैरिज हुई है जी, हाथापाई। उसके बाद फिर उसके घर वाले आए, वो शिवराम और रामकृष्ण मलिक, उसका लड़का था रामकृष्ण मलिक। नहीं नहीं वो तो गाड़ी तो बाहर का अंदर कल का हुए, परसों की बात बता रहा हूँ मैं, जो चौपाल पर हुई पहले लड़ाई। हाँ गाड़ी कौन है? गाड़ी ये इनका है बाली, रामकिशन भाई है इसका भाई थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि सोनीपत के रहने वाले चिराग का आज अंतिम संस्कार हो गया है। कनाडा के वैंकूवर में अज्ञात हमलावरों ने चिराग की हत्या कर दी थी। 13 अप्रैल को चिराग की हत्या की गई थी। एमबीए की पढ़ाई करने गया था और अब जो वर्क वीजा पर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। चिराग की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उबड़ा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चिराग अंकल 24.5 साल का था, कनाडा गया था एमबीए करने। एमबीए उसकी क्लियर हो गई थी, वर्किंग वीजा पर काम कर रहा था। क्या हादसा हुआ जी उसकी का? उसका पता ही नहीं लगा, बता रहे हैं उनका अंदाजा अभी तक तो के किसी और के धोखे में मारा गया। क्या कनाडा प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? पूरा अपना इंडिया कर रहा है, पूरा कनाडा कर रहा है, सब प्रशासन ने पूरी मदद करी है मेरी डेड बॉडी के लिए, उसमें भी बेटे के लिए, और हर चीज में पूरी मदद कर रहा है। कितने उम्र तक? 24.5 साल। शादी की कोई? ना शादी नहीं करी थी अभी। क्या कोई शक हो किसी पर? ना किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगली खबर सोनीपत से, जहां एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अपने किसी परिचित से पीड़ित मिलने गया था, चाय की दुकान चलाता था पीड़ित। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। 3 नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सोनीपत सदर थाना पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहाँ पे 4 जने बता रहे हैं, 4 जने थे वहाँ पे, जिन्हें हाथापाई करी उन्होंने, उन्हें मारे पीटे चोटे मारी है, उनसे उन्होंने अभी हम बोल रहे हैं जल्दी जल्दी कार्रवाई हो जाए और जल्दी उनको जो कार्रवाई के थ्रू उनको जो भी सजा मिले गिरफ्तार करना चाहिए। 22 अप्रैल को शाम के समय थाना सदर सोनीपत में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सेक्टर 12 के नजदीक शादीपुर की जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा है। जिस सूचना पर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि चोटिल व्यक्ति को उसका लड़का दीपक सिविल हॉस्पिटल सोनीपत ले गया। पुलिस टीम के अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि घायल व्यक्ति शमशेर की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर थाना पुलिस ने धारा 302/34 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे तफ्तीश जारी है। वहीं गुरुग्राम में कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लगी है, जिससे धुआं धुआं हो चुका है गुरुग्राम। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर ये आग लगी हुई है। बंदवाड़ी गांव के डंपिंग यार्ड में आग का तांडव देखने को मिला। कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से हजारों टन कचरा यहाँ आता है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन धुएं से शहर के लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डंपिंग ग्राउंड की, कि कैसे आग लगी हुई है। कई किलोमीटर दूर से ही धुआं देखा जा सकता है। अब धुएं के गुबार से लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। ये सर हमें कल शाम को 5 बजे करीब सूचना मिली थी कि खत्ते में आग ज्यादा है। वैसे तो हमने एक गाड़ी यहाँ पे स्टैंड बाई खड़ी की हुई है, उसने उस गाड़ी ने काम किया। उसके बाद उन्होंने बताया भाई आग ज़्यादा हो गई है, आप गाड़ियाँ और भेजें। तो हमने 4 गाड़ियाँ गुड़गांव से और भेज दी थी। उन्होंने सुबह 3 बजे तक काम किया, आग को कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद अचानक से आप देख रहे हो पीछे एकदम से आग भड़क गई थी, और उसके बाद फिर हमारे पास 5 बजे मैसेज आया सुबह कि भाई आग ज़्यादा हो गई है, आप गाड़ियाँ और भेजो। फिर हमने गुड़गांव से 8 गाड़ियां गुड़गांव से और 4 गाड़ियां फरीदाबाद से बुला करके अब आग को हमने पूरी तरह कंट्रोल में किया हुआ है, और शाम को तकरीबन शाम तक 6-7 बजे तक हम आग को पूरी तरह कंट्रोल में कर लेंगे। किसी के हताहत होने की किसी के नहीं, अभी तक कोई समाचार नहीं है। हमारे 40 कर्मचारी कंटिन्यू यहीं पर लगे हुए हैं।
क्या कारण था इसका और लगातार आग भड़क रही है, इसके पीछे का क्या कारण? इसके पीछे का सर ये कारण है, जो खत्ता है ना यहाँ पे गैस बन जाती है, गंदगी इकट्ठी हो गई गैस बन जाती है और गर्मी ज्यादा होने के कारण अचानक से उसमें आग लग जाती है। रोहतक में सुनो नहरों की पुकार नाम का संगठन लोगों को नहरों को दूषित होने से बचाने की मुहिम में जुटा है। संगठन से जुड़े सदस्य लोगों को नहरों के पानी को दूषित ना करने के बारे में जागरूक करते हैं। तकरीबन 2.5 साल पहले शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे नहरों को दूषित किया जा रहा है।